दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस निकाल ली थी और देखा था टेलीग्राफर्स इक्वेशन क्या है। तो जो हमारी वोल्टेज की इक्वेशन आई थी, वोल्टेज वेव की इक्वेशन आई थी, वो थी एफ अंडर रूट एल सी एक्स माइनस टी प्लस फाई अंडर रूट एल सी एक्स प्लस टी, जहाँ पे हमने कहा था जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारा इंसिडेंट वोल्टेज वेव को दर्शाता है और दूसरा वाला हमारा रिफ्लेक्टेड वेव को बताता है। इसी तरीके से जब हमने करंट वेव के लिए एक्सप्रेशन निकाला था तो वो आया था 1 अपॉन अंडर रूट एल बाय सी एफ ऑफ अंडर रूट एल सी एक्स माइनस टी माइनस फाई अंडर रूट एल सी एक्स प्लस टी। तो वोल्टेज वेव और करंट वेव के एक्सप्रेशन को मैंने आपसे कहा था कि आप एक जगह लिख लीजिएगा, तो मैंने ये एक जगह लिख दिए हैं और देखा कि दोनों के एक्सप्रेशन में पहला अंतर आता है ये, यहां पर अंडर रूट एल बाय सी का एक्सप्रेशन ऐड हो रहा है, वन अपॉन अंडर रूट एल बाय सी का, और साथ में ये माइनस साइन आ जाता है। तो ये दोनों चीजें हमें रिकॉल में रखनी पड़ेगी, दिमाग में हमेशा रखना चाहिए हमें। तो अब अगर मैं फिर से बात करूं, हमने क्या करा था, तो अंडर रूट एल बाई सी हमारा सर्ज रेजिस्टेंस था या कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस था या नेचुरल इम्पिडेंस था या सर्ज इम्पिडेंस था, ये सारी एक ही बातें हो जाती हैं अगर हम लॉसलेस लाइन को लेकर चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को फाइनली जीरो रख दिया था, तो पूरा डिस्कशन अब हमारा जो भी हो रहा है वो लॉसलेस लाइन के लिए हो रहा है। तो हमने अंडर रूट एल बाई सी की जगह एक्सप्रेशन में आर नॉट रख दिया था, और उसके बाद हम जानते हैं कि E, ये हमारा ये टर्म फिर से E लिखा हुआ है और ये टर्म फिर से हमारा ये टर्म हमारा E डैश लिखा हुआ है और ये वाला टर्म हमारा E डबल डैश लिखा हुआ है। तो अगेन जब मैं I की बात करता हूँ तो I कम्स आउट टू बी E डैश अपॉन R नॉट और E डबल डैश अपॉन R, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये बात कि ये फाइनली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम I इक्वल्स टू I डैश प्लस I डबल डैश। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन को E equals to E dash plus E double dash. Similarly, उसी तरीके का हमने डिजाइन करा है करंट के लिए भी, और I equals to I dash plus I double dash लिखा है। दोनों एक्सप्रेशंस में अंतर क्या आ रहा है कि यहां पर E dash भी पॉजिटिव है और E double dash भी पॉजिटिव है, मतलब ट्रांजिएंट वेव के वोल्टेज के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों वोल्टेज वेव्स या इंसिडेंट वोल्टेज वेव और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन जब हम ये चीज करंट के लिए देखते हैं, यहाँ पर करंट I प्लस I डैश प्लस I डबल डैश है, तो ये कंपोनेंट इंसिडेंट कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव आता है और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट हमारा निगेटिव आता है, ओके। तो इतना डिस्कशन हम पहले लेक्चर में कर चुके थे। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग चीज बताता हूँ कि क्यों हम कह देते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इज वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा कि इन्हें आप चीजों को मिक्सअप मत करिएगा। यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एल बाय सी। ये जो एक्सप्रेशन जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बोल रहे हो या सर्ज रेजिस्टेंस बोल रहे हो लॉसलेस लाइन के लिए, वो अंडर रूट एल बाय सी है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी की। तो हम एक लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं इसे कि 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आपकी वेलोसिटी है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ये वेलोसिटी है, अगर कैसे इसको हमने वेलोसिटी बोल दिया। तो अगर मैं एल की यूनिट पे ध्यान दूँ तो एल की यूनिट है मेरी हेनरी पर मीटर, तो मीटर की जगह मैंने लेंथ लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर की हमारी यूनिट, कैपेसिटेंस की हमारी यूनिट फैरड पर लेंथ हो जाएगी, फैरड पर मीटर होता है, तो अगेन मैंने मीटर की जगह लेंथ लिख दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो लेंथ पर सेकंड्स में मिलेगा। तो अगर मैं कहूं कि लेंथ मीटर है और टाइम सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट किस चीज की होती है, मीटर पर सेकंड यूनिट हमारी वेलोसिटी की होती है, ओके। तो ये छोटी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग थी और लेक्चर 1 का रिविजन था। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक्स के। हमारा नया टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ सर्ज रेजिस्टेंस। जो हमने आर नॉट निकाला है, जिसे हम अंडर रूट एल बाई सी बोल रहे हैं, उसको हम निकाल के देखना चाहते हैं कि अलग अलग केसेस में, चाहे ओवरहेड लाइन के लिए या कोएक्सियल केबल के लिए, ये आर नॉट की वैल्यू होती क्या है। तो पहला केस मैंने लिया है फॉर टू वायर लाइन विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो इट इज प्रिटी मच इजी, क्योंकि आप जानते हो कि जो एक्सप्रेशन है आपका आर नॉट का अंडर रूट एल बाय सी है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम एल की वैल्यू लिख दें
और सी की वैल्यू लिख दें और फाइनली उन एक्सप्रेशंस के थ्रू हम आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो चलिए देखते हैं, हम पीटीडी में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक पहले ही ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर टू वायर लाइन ली जाएगी जिसमें एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक है तो उसके लिए इंडक्टेंस हमारा 4 × 10⁻⁷ LNd/R आएगा। ये आपको आउटकम रिकॉल रहना चाहिए कि आप चाहें तो अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा कि फॉर टू वायर लाइन विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक द इंडक्टेंस इज गिवन एज 4 × 10⁻⁷ LNd/R, यूनिट इज अगेन हेनरी पर मीटर। ओके, तो जहां पर d क्या है, d है दोनों कंडक्टर्स के बीच के डिस्टेंस और कैपिटल R है कंडक्टर की रेडियस, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। इसी तरीके से टू वायर लाइन जिसमें एयर एज डाइलेक्ट्रिक लिया गया है उसके लिए कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस हमारा आ जाता है पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय LNd/R। ओके, तो अब हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी जो है 10⁻⁹ अपॉन 36 पाई, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व कर लिया तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया 10⁻⁹ 36 डिवाइडेड बाय 36 LNd/R। तो नाउ हमारे आर नॉट के एक्सप्रेशन में दो चीजों की जरूरत थी, पहला इंडक्टेंस और दूसरा कैपेसिटेंस। तो हमने इंडक्टेंस की वैल्यू यहां से देख ली और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, तो दोनों को जब हमने इस एक्सप्रेशन में रखा तो फाइनली वी गॉट आर नॉट इक्वल्स टू 276 लॉग टू द बेस 10 d/R, यूनिट ओम है। अगर आप ln में लिखना चाहते हो तो इट इज 120 LNd/R। तो इन दोनों चीजों को हमेशा दिमाग में रखिएगा कैसे निकाला गया है। अगर आप मेमोराइज करने में ज्यादा भरोसा रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि log और log बेस 10 में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये मेजॉरिटी में यही दो गलतियां होती हैं, बाकी आप इसे फाइनली बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको बेसिकली जो एक्सप्रेशन दिमाग में रखने हैं, आर नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट L/C, नंबर वन। दूसरा, अगर टू वायर लाइन के बीच में एयर एज अ डायलैक्ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है तो उसके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले, तो वो इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया 4 × 10⁻⁷ LNd/R और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय LN D/R, और एप्सिलॉन की वैल्यू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 36 पाई। चलिए, तो हमने अब टू वायर लाइन विद एयर एज डायलैक्ट्रिक यानी ओवरहेड लाइन के लिए ये चीजें निकाल दी हैं। अब हम बढ़ते हैं केबल की तरफ। तो फिर से हम पीटीडी में पढ़ के आए हैं, अगर आप कोएक्सियल केबल लेते हो तो उसके इंडक्टेंस की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ LN R/r, यूनिट हेनरी पर मीटर। तो ये मैंने छोटा सा क्रॉस सेक्शन बना के समझाने की कोशिश करी आपको, एक कोएक्सियल केबल बनाइए तो ये आउटर हो जाएगा, बीच में डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा और ये कंडक्टर हो जाएगा, ये कंडक्टर या आउटर शीट हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपकी जो है वो कैपिटल आर है और इनर जो कंडक्टर की रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो फॉर्मूला इंडक्टेंस का हो गया 2 × 10⁻⁷ LN R/r, यूनिट इज हेनरी पर मीटर। इसी तरीके से अगर आप कैपेसिटेंस की बात करते हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 πε LN R/r। ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो एक डिफरेंस निकल के सामने आता है, वो ये है कि यहाँ पर 2 नहीं है। जब हम ओवरहेड लाइन की बात करते हैं तो वहां पर 2 नहीं है, और जब हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं तो वो इट इज ट्वाइस 2 πε LNr/r। तो अगेन मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी है यहाँ पर और चीजों को फर्दर सॉल्व कर लिया है। कैपेसिटेंस के लिए इंडक्टेंस 2 × 10⁻⁷ LNr/r रहेगा। जब हम आर नॉट का एक्सप्रेशन जो कि है √L/C, इसमें हम एल और सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो वी विल गेट आर नॉट एस 138 डिवाइडेड बाय √εr। ओके, फ्रीक्वेंटली AKTU में ये क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछे गए हैं सर्ज रेजिस्टेंस निकालने के लिए, चाहे कोएक्सियल केबल के लिए हो या ओवरहेड के लिए हो या दोनों का कंपैरिजन हो। तो दोनों का कंपैरिजन आप इजीली अपने सामने रख सकते हैं, कर सकते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस कि जो हमारा सर्ज रेजिस्टेंस होता है ओवरहेड लाइन के लिए उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 500 ओम होती है और केबल के लिए ये 50 ओम होती है। ओके, तो अब मैं पहले भी एक वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में आता है और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 फॉर ओवरहेड लाइन
और 1 से बड़ा होता है हमारा केबल के लिए, तो बट नेचुरल है कि केबल का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा या सर्ज इंपीडेंस होगा वो ओवरहेड लाइन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा। तो वो यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यूज से दिख भी रहा है। ये सोनी गुप्ता भटनागर की वैल्यूज हैं जिसमें 500 ओम और 50 ओम का रेफरेंस दिया गया है। सिमिलरली अगर आप उठाओगे सीएल वाधवा तो उसमें शायद 400 ओम और 40 ओम दिया गया है। ओके, तो समवॉट देयर इज वेरी मच लेस डिफरेंस, तो हम इसे अपना काम चलाया जा सकता है। तो आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू कोट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी मैंने आपको अभी पहले स्लाइड में भी बताया था कि v इक्वल्स टू 1/√LC। फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ आर नॉट की, तो आर नॉट हमारा या जेड नॉट की अगर लॉसलेस लाइन है, ये हमारा होता है √L/C। जब आप एक्सप्रेशन अपने हाथ से लगाएंगे तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, ये होता है हमारा √L/C आर नॉट। लेकिन अब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारा होता है 1/√L/C। ओके, तो ये गलती मत करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड लाइन के लिए फिर से हमने इंडक्टेंस की क्या वैल्यू रखी, 4×10⁻⁷ ln D/R, और C की ऑलरेडी हम पिछली वाली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ निकाल के आपको कि आएगी 10⁻⁹, 36 ln D/R। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओवरहेड लाइन के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन कम्स एज 3×10⁸ m/s। यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैकम। ये बहुत ज़्यादा प्रूफ पूछा गया है, हर 2-3 साल में एक बार ऑलमोस्ट रिपीट हुआ ही हुआ है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कई बार वो कंपैरिजन भी पूछ दिए जाते हैं कि कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन फॉर ओवरहेड लाइन और केबल्स। तो फिर से वही बात है कि हमें पता है कि केबल के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू है 2×10⁻⁷ ln R/r, गो थ्रू प्रीवियस स्लाइड। और हमारा कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है 10⁻⁹ εr/18 ln R/r। ये ध्यान रखिएगा, ये एप्साइलन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली केबल के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका 3×10⁸ √εr, ओके, m/s। तो अब इन दोनों को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, 1/εr टाइम्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इसके बिहाफ पे मैं अपना एक छोटा सा क्विज या असाइनमेंट कल अपलोड करूंगा जिसमें बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। तो ये बोनस असाइनमेंट है आपके लिए, प्लीज अटेम्प्ट इट एंड गो थ्रू दीज एक्सप्रेशंस। इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स। थैंक यू, सी यू इन लेक्चर 3।